येदुरप्पा सरकार पर सुप्रीम कोर्ट में कल अहम सुनवाई। कांग्रेस जेडीएस ने रात को ही दी थी याचिका। रात भर सुनवाई के बाद कोर्ट ने येदुरप्पा की शपथ पर रोक नहीं लगाई, लेकिन बीजेपी से विधायकों की वो लिस्ट मांगी है जो उन्होंने राज्यपाल को सौंपी थी। कर्नाटक में बनी बीजेपी की सरकार, बीएस येदुरप्पा ने ली मुख्यमंत्री की शपथ, बोले जल्द साबित करूंगा बहुमत। कर्नाटक में बहुमत का आंकड़ा 112 है, बीजेपी के पास सिर्फ 104 विधायक हैं। 8 और विधायकों के समर्थन के लिए बीजेपी की नजर निर्दलीय और कांग्रेस के उन विधायकों पर है जो जेडीएस के साथ गठबंधन से नाराज हैं। जोड़ तोड़ से बचाने के लिए कांग्रेस ने अपने विधायकों को बेंगलुरु के ईगलटन रिजोर्ट में रखा है। येदुरप्पा के सीएम बनने के बाद इस ईगलटन रिजोर्ट से सुरक्षा हटाई गई। मुख्यमंत्री बनते ही येदुरप्पा ने पुलिस विभाग में अहम ट्रांसफर किए। एडीजीपी और डीआईजी इंटेलिजेंस समेत 4 आईपीएस अफसरों के तबादले। 2 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे राहुल गांधी ने पाकिस्तान से की भारत की तुलना, कहा देश के हर तबके में डर का माहौल। अमित शाह का राहुल को जवाब, कहा राहुल को अपनी पार्टी का इतिहास याद नहीं। छत्तीसगढ़ के सीतापुर में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आदिवासी समुदाय के कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में राहुल ने मोर पंख लगाकर डांस भी किया। कांग्रेस कल कर्नाटक सरकार के विवाद पर पूरे देश में धरना प्रदर्शन देगी। अशोक गहलोत ने सभी प्रदेश कमेटियों को चिट्ठी लिखकर दिए निर्देश। आज भी हुआ प्रदर्शन। कर्नाटक की जयानगर सीट पर 11 जून को होगा उपचुनाव, 13 को आएंगे नतीजे। बीजेपी उम्मीदवार के निधन की वजह से नहीं हो सके थे चुनाव। कर्नाटक के राज्यपाल पर शक्ति का दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी जीती, लेकिन उछाल के साथ बीजेपी पहली बार दूसरे नंबर पर आई। 20 जिलों में पंचायत की 38,000 से ज्यादा सीटों के लिए हुए हैं चुनाव। यूपी सरकार ने मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश और राजनाथ सिंह समेत 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को 15 दिनों में घर खाली करने को कहा है। मुख्य सचिव अंशु प्रकाश की पिटाई के मामले में सीएम केजरीवाल पूछताछ के लिए तैयार। एसएचओ को चिट्ठी लिखकर पूछताछ की वीडियोग्राफी कराने की शर्त रखी। मौसम विभाग ने दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत 20 राज्यों में तेज आंधी का अलर्ट किया है। अगले 3 दिन तक बना रहेगा खतरा। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने फिर बदली करवट। दिल्ली में अचानक तेज हवा के साथ हुई बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में फिर हो सकती है बारिश। हैदराबाद में तेज आंधी के साथ जोरदार बारिश हुई। तेज हवा और बारिश के चलते कई जगह बिजली के खंभे गिर गए। कई इलाकों में बारिश का पानी भरा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक हैदराबाद में हो सकती है बारिश। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।